लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने मोदी की गारंटी के नाम से अपना संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र लॉन्च करने के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही है उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ घर और बनाने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए हैं, अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। मुद्रा योजना के तहत पहले 10 लाख रुपए तक का लोन दिया गया, अब बीजेपी ने इस सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू की है। बीजेपी ने अब ये संकल्प लिया है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। पीएम ने कहा कि ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस जीवन की गरिमा पर, जीवन की गुणवत्ता और निवेश से नौकरी पर है। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के हर बिंदु को गारंटी के तौर पर जमीन पर लागू किया है। यह संकल्प पत्र विकसित भारत के सभी 4 मजबूत स्तंभ युवा, महिला, गरीब और किसान को सशक्त बनाता है। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए मोदी की गारंटी नाम से संकल्प पत्र जारी किया। पीएम ने कहा विकसित भारत पर अब फोकस है, राष्ट्रीय स्तर पर भगवान बिरसा की जयंती मनेगी। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेगा भारत। और चलिए इस पर अधिक बातचीत के लिए दिल्ली से हमारा संवाददाता अमर जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अमर, देखिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए मोदी की गारंटी नाम से संकल्प पत्र जो है उसकी घोषणा की आज, और पीएम ने कहा कि ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है जिसमें युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान, इन सभी को सशक्त करता है। और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जिन किसी को भी किसी ने नहीं पूजा उन्हें, उसे मोदी ने पूजा है। ये सारी बातें संकल्प पत्र घोषणा पत्र जारी करने के दौरान मोदी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने ये सारी बातें कही। क्या कुछ बातें इस संकल्प पत्र को के जारी करने के बाद आ रही है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं कि अगर हमारी सरकार अपना घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र को अगर आप देखें तो उसमें साफ तौर पर जो संकेत दिए गए कि आने वाले 5 साल का लेखा जोखा है, उस लेखा जोखा में ये भी है जो हमारे पास आ रहे हैं। 5 साल का जो आयुष्मान योजना है जिसमें आपको इलाज करवाए जाते हैं वो आपको मुफ्त में जारी रहेगा। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि जो महंगाई गैस जो है वो आपको सस्ते गैस का इंतजाम सरकार करवाएगी, बुलेट ट्रेन की इस्तेमाल करवाएगी। उन्होंने कहा कि हर राज्यों में पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में बुलेट ट्रेन दी जाएगी। उसके बिल्कुल ये तो सशक्त होने की बात है पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और गारंटी है ये घोषणा पत्र के जरिए जो है गारंटी की बातें हुई कि क्या कुछ गारंटी जो है बीजेपी की तरफ से होगी, पीएम नरेंद्र मोदी की क्या कुछ गारंटी और क्या क्या गारंटी जो है वो पूरा करेंगे। और सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी यही कहते हैं कि इस गारंटी को पूरा करने की गारंटी हम लेते हैं। चलिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए, हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी शहनवाज का और उनसे बातचीत करते हैं इस पर आगे। शहनवाज, देखिए आज घोषणा पत्र संकल्प पत्र जो है जारी किया गया बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर जो है मोदी की गारंटी नाम से ये घोषणा पत्र जारी किया गया और बहुत सारी बातें हुई इस गारंटी को लेकर कि क्या कुछ जो है बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरी की जाएगी, यहां तक कि सशक्त होने की बातें भी जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने कही। घोषणा पत्र जारी करने के बाद क्या कुछ बातें और आ रही है सामने? देखिए, बहुत विस्तार से ये संकल्प पत्र पढ़ा है प्रधानमंत्री मोदी ने और इसमें समावेश है पूरे भारतवर्ष की जो जरूरतें हैं
आने वाली 5 साल की जरूरतों का समावेश है। लेकिन हम चूंकि झारखंड से बात कर रहे हैं तो झारखंड की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें है और उसमें ये कहा गया है कि जो भगवान बिरसा मुंडा की जो जयंती है 15 नवंबर को उसको राष्ट्रीय तौर पर मनाने का एक संकल्प पत्र में एक जिक्र है। अब इसी से समझा जा सकता है कि झारखंड को पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को मनाने जाने का जो संकल्प लिया गया है प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जिसमें 75 साल के हर व्यक्ति को 75 साल के ऊपर के हर व्यक्ति को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने का समय आ गया है और उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन जो है उसने बहुत जबरदस्त ढंग से उसको रिस्पांस मिला है और लोगों की जरूरतों को वो कैटर कर रही है। तो उन्होंने कहा कि वंदे भारत का विस्तार और होगा और बुलेट ट्रेन के बारे में कहा उन्होंने कि हालांकि ये अभी अभी सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद में नॉर्थ इंडिया में इसका भी काम चल रहा है लेकिन हर रीजन के लिए एक एक ट्रेन होगी जो बुलेट ट्रेन के नाम से जानी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए 21वीं सदी के भारत की नींव को मजबूत करने की बात कही है। शैक्षणिक संस्थान खोले जा रहे हैं उसके बारे में उन्होंने कहा कि राजमार्गों रेलवे वायु मार्ग और जल मार्गों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है उससे लोगों की विश्वसनीयता बढ़ी है, यात्रा की सुविधा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि वायु यान की जो सुविधाएं हैं उसका और विस्तार किया जाएगा अगले 5 वर्षों में। और जैसा कि मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाएगी। बीजेपी आदिवासी विरासत पर शोध को भी बढ़ावा देगी और डिजिटल जनजातीय कला अकेदमी की भी स्थापना की जाएगी। देखिए मेरे पास कुल 8 पन्ने हैं और 8 पन्नों में बहुत बहुत ही आकर्षक और बहुत ही जन उपयोगी चीजों का जिक्र है। 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ देने की बात कही गई है। महिला सशक्तिकरण में दुनिया को दिशा दिखा रहा है भारत, ये कहा है पीएम मोदी ने। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं, आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई परिभाषा गढ़ेंगे और नई भागीदारी का संकल्प लिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारा संकल्प पत्र युवा भारत की युवा आकांक्षाओं को प्रतिबिंब है। पिछले 10 वर्षों में भारत के लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल आए हैं, ये काम करने की बीजेपी की मजबूत प्रतिबद्धता का सबूत है। तो कुल मिलाकर के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार था क्योंकि तमाम और पार्टियों ने अपनी अपनी मैनिफेस्टो का ऐलान पहले ही कर दिया था। इसमें 2 बातों का जिक्र बिल्कुल नहीं है, धारा 370 और राम मंदिर। इसके अलावा भारत के विकास और भारत को आगे भविष्य में आएगा एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, प्रधानमंत्री ने कहा, एक बात मैं सुन रहा था कि इस वक्त दुनिया जंग के तनाव से गुजर रही है, चाहे वो यूक्रेन और रूस के जंग की बात हो, चाहे वो इसराइल और ईरान के संघर्ष की बात हो। आप प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वक्त जंग का साया पूरे दुनिया में मंडरा रहा है, लेकिन वहीं उसी क्षण भारत की ओर अगर निगाह डालते हैं, भारत की अगर राजनीतिक अस्थिरता की ओर निगाह डालते हैं तो भारत की राजनीतिक अस्थिरता इस समय बहुत मजबूत है और इसका मजबूत होना दुनिया में भारत को प्रगति करते हुए देश की ओर बढ़ते हुए देश की ओर देखने की जो दिशा और दशा है, पूरी दुनिया का नजरिया है, वो बहुत मजबूत है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ट्रांसजेंडर समुदाय को भी आयुष्मान भारत योजना में जोड़ने का संकल्प लिया है और लोन की जो सीमा है वो 50,000 से बढ़ाने की बात उन्होंने कही है कि गांव कस्बों तक जो लोन लेते हैं युवा
बिजनेसमैन, महिलाएं, महिला स्वयं सहायता समूह, इन सब का जो एक लिमिटेशन है वो 50,000 अभी है, लेकिन इसको और बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। और बिजली का बिल जो है वो कैसे जीरो आ जाए, इसके लिए सोलर पावर जो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है उसको मजबूत किया जाएगा, ताकि आप बिजली का इस्तेमाल भी करें और जरूरत से ज्यादा अगर बिजली आपने पैदा कर ली है उससे उतनी आपकी जरूरत नहीं है तो उसको आप ग्रिड को बेच देंगे, उससे आपको कुछ आर्थिक लाभ भी हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा लोड है मध्यम वर्ग पर जो बिजली की बिल के सूरत में आता है 8-10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से, भारत के एवरेज तमाम राज्यों में आज बिजली का बिल है। तो मुझे लगता है कि इससे ये एक बहुत ही लोकप्रिय कह सकते हैं कि घोषणा है, अगर इस पर काम होता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी। देखिए बीजेपी मुख्यालय में भी अंदर प्रसारण चल रहा था संकल्प यात्रा का और लोग अभी आने लगे हैं, जो नेता वृंद हैं बीजेपी के जो नेता लोग हैं वो आने लगे हैं। कोई प्रमुख चेहरा मैं देख रहा था कि अगर कोई बड़ा चेहरा होगा तो मैं आपको उसके रूबरू कराता। बहरहाल मच अवेटेड ये मैनिफेस्टो था बीजेपी का जो प्रधानमंत्री ने खुद ही बिल्कुल शहनवाज, और जहां तक भारत की आगे बढ़ने की बात है इसमें ये भी बात आई, उन्होंने पहल की कि 2036 तक जो है भारत मेजबानी करेगा ओलंपिक का, इसकी भी पहल जो है हुई, इस पर भी क्या कुछ बातें आई सामने? हाँ बिल्कुल, एक बड़ी घोषणा है ये, 2026 में अगर भारत ओलंपिक की मेजबानी करेगा तो वो कतर जैसे देशों, ब्राजील जैसे देशों की श्रेणी में शुमार हो जाएगा। देखिए कोई ओलंपिक की मेजबानी कोई बच्चों का खेल नहीं है, एक छोटी मोटी बात नहीं है, और आप यकीन जानिए कि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और भारत को बहुत कुछ आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी करना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि पिछली बार जो कतर में एक फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसके लिए बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी गारंटी की बातें भी पीएम मोदी ने कहा, और देखिए आने वाले दिनों में क्या कुछ गारंटी पूरी होती है इसका इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।